कक्षा 12 कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आपको हम आज हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे और एक मीथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला भी थी। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन आपको बताया भी जा चुका है, फिर आप सुन लीजिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक जो होते हैं वही यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वही यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन से होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक आपके होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन्हें हम कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो एक आपके हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त होती हैं उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते। ये लिख सकते हैं आप, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त होती हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर सुनिए, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त हो उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते। जैसे मेथेन, क्या होता है? मेथेन, एथेन। अब अगर आप देखें, हम मेथेन अगर देखें तो सी सिग्मा बॉन्ड, सी सिग्मा बॉन्ड, एच एच एच। देखिए सी सिग्मा बॉन्ड, एच सिग्मा बॉन्ड, यस सिग्मा बॉन्ड, यस, तो सब एकल बंध हैं। सब क्या हैं? एकल बंध हैं। तो वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त होती हैं उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आप एथेन का भी उदाहरण ले सकते हैं, सी सिग्मा बॉन्ड सी सिग्मा बॉन्ड, एच सिग्मा बॉन्ड, एच सिग्मा बॉन्ड, एच सिग्मा बॉन्ड, एच सिग्मा। अब कार्बन की संयोजकता चार होती, कार्बन के बारे में आप जानते हैं कार्बन की संयोजकता चार होती है, इसमें छह इलेक्ट्रॉन छह प्रोटॉन छह न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन में क्या है? छह इलेक्ट्रॉन छह प्रोटॉन और छह न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन को जब सब चतुष्फलकी प्रकृति हमने बताया था तो हमने क्या बताया था कि कार्बन की संयोजकता चार होती है, इसमें छह इलेक्ट्रॉन छह प्रोटॉन छह न्यूट्रॉन होते हैं। यदि कार्बन को सम चतुष्फल के केंद्र पर माना जाए तो इसकी चारों संयोजकताएं चारों कोणों की ओर निर्देशित हुई होती है, किन्हीं दो संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता। देखिए जो पीछे आप पढ़ते रहते हैं ये आगे का तो पढ़ते रहें लेकिन पीछे की चीज भूलने न पाए उसको बार बार दोहराते रहें। जैसे बताया था प्रत्येक कार्बनिक पदार्थ दो भागों से मिलकर बना होता है, प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। पहले भाग को एल्किल मूलक जो भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है,
दूसरे भाग को अभिक्रियात्मक समूह कहते हैं जो उसके रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। तो इसी टाइप से प्रयोगशाला में पहले कार्बनिक यौगिक कौन बना, यूरिया बना। यूरिया का सूत्र क्या है, CH2CO CH2 या CH2 होल ट्वाइस CO लिख सकते हैं। जैवसक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जे.जे. वर्जीलियस ने किया। अंत किसने किया, फ्रेडरिक कोहलर ने किया। फ्रेडरिक कोहलर ने ही पहला कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में बनाया था, अमोनियम साइनाइड से क्या बनाया था, यूरिया बनाया था। तो ये सब चीजें पीछे की बार बार दोहराते रहें, पढ़ते रहें। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त होती हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं या वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेथेन सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी ये एकल बंध से चारों संयोजकताएं तृप्त हैं। यहाँ भी देखें दोनों कार्बनों की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त हैं, इसलिए इनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ गए। तो वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त हों उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बात आती है दूसरा, तो दूसरा आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या है, एक था संतृप्त, अब दूसरा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिससे हम कहते हैं अनसेचुरेटेड। क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एक है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त नहीं होती हैं, बस दोनों की परिभाषाएं एक जैसी, एक में होती हैं और एक में नहीं होती हैं। नहीं शब्द केवल जोड़ना है, अगर पहली परिभाषा याद हो गई तो दूसरे में केवल नहीं शब्द जोड़ दीजिए कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त नहीं होती हैं। उसमें हमने क्या लिखा था, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त होती हैं, और इसमें लिखा है नहीं होती हैं। केवल एक शब्द का अंतर है, नहीं होती हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं या कहलाते हैं। तो वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त नहीं होती हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एथिलीन या एसिटिलीन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आती हैं, एथिलीन और एसिटिलीन। अब एथिलीन, तो एथिलीन का उदाहरण, एथिलीन का संरचना सूत्र सी डबल बॉन्ड सी सिग्मा बॉन्ड एच सिग्मा बॉन्ड एच और इधर भी एच और एच। अब देखिए इसमें कार्बन की, पीछे देखा आपने कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त थी, इसमें दो तो एकल बंध से तृप्त है, दो डबल बॉन्ड आ गया, यानी एकल बंधों से चारों तृप्त नहीं है, इसीलिए इनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी प्रकार जैसे एस्टिलीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला एच, देखिए एक एक एकल बंध से तृप्त है, एक ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध से संतृप्त है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये एथिलीन है और ये उदाहरण काहे का है, एस्टिलीन का है। स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका है, देखिए ये प्रदर्शित आप कर पाएंगे संरचना सूत्र से, स्ट्रक्चरल फार्मूले से। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है एथिलीन का और ये है एसिटिलीन का। तो वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त होती हैं उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं,
और वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त नहीं होती हैं, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये बात समझ गए, इनके एग्जाम्पल भी समझ गए, संतृप्त का मेथेन एथेन, असंतृप्त का एथिलीन और हिस्टिडीन। अब हम आपको मेथेन गैस की प्रयोगशाला विधि बताएंगे। एक चीज केवल आप मेथेन गैस, मेथेन गैस को हम मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सड़े गले दलदल स्थानों पे पाई जाती है और मार्स माने सड़ा गला दलदल होता है, इसलिए दलदल के कारण हम इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मेथेन गैस या मार्स गैस, मेथेन गैस या मार्स गैस। तो मेथेन गैस क्या है? मेथेन गैस, तो मेथेन गैस इसका अणु सूत्र अगर हम देखें तो अणु सूत्र, इसका अणु सूत्र होता है CH4 और अणु भार ये आपका होता है 16 और इसका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र अभी आपने लिखा भी था। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्केन श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? एल्केन श्रेणी, जिसे हम पैराफिन श्रेणी भी कहते हैं, एल्केन या पैराफिन श्रेणी। तो अणुसूत्र CH4 है, अणुभार 16 है और संरचना सूत्र इसका आपके सामने दिया हुआ है। और ये है क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो भी हमने आपको बताया है वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से तृप्त हों, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसकी प्रयोगशाला विधि अब आपको मेथेन गैस की पढ़नी है। कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि, मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि, मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम मेथेन कैसे बनाते हैं? प्रयोगशाला में मेथेन बनाने के लिए हम सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को 1:3 के अनुपात में शुष्क लेते हैं। कैसा होना चाहिए? शुष्क लेते हैं, गीला नहीं। देखिए कोई चीज जब बनानी है तो इसके लिए सबसे बढ़िया एक उदाहरण बताते हैं, उसको अपने मन में रखिए, उसके अनुसार बनाइए। जैसे खिचड़ी आपको बनानी है तो आप दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल कम मात्रा में, चावल अधिक मात्रा में, और उसमें थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार नमक डालते हैं। तो ये हो गया कच्चा माल, क्योंकि हर चीज के, जो चीज आपके घर में बनती है, चाहे जितनी कठिन चीज हो, दरी बनाई जाती है आपके यहाँ, आपके यहाँ स्वेटर बुने जाते हैं, आपके यहाँ कोई काम वो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, और जो चीज आपने पहले नहीं बनाई वो लगता है बड़ा कठिन है। जैसे आपके यहाँ मेथेन घर में बनती होती और खिचड़ी ना बनती होती तो आपको मेथेन बहुत आसान लगती और वो तो, लेकिन मन में समझे कच्चा माल, खिचड़ी में कच्चा माल है दाल चावल नमक, बर्तन उसके लिए है पतीली कुकर, पानी भी जरूरत पड़ेगी, फिर उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात जब बन जाती है तो बर्तन एकत्रित करने वाला चाहिए तो आपकी थाली है। इसी प्रकार जब मेथेन बनाते हैं तो मन में आए दाल चावल की जगह पर हर चीज तो दाल चावल से नहीं बनेगी, रोटी बनाना है तो आप कहें हम दाल चावल ले लें, कैसे बनेगी रोटी? तो तब बनेगी जब हम आटा लेंगे, उसमें पानी खिचड़ी में कुछ ज्यादा पड़ता है, आटे में कम पड़ेगा, उसके लिए बर्तन, रोटी के लिए बर्तन, उसके लिए खिचड़ी के लिए अगर कुकर है तो रोटी के लिए बर्तन क्या है? तवा है। तो हर चीज के लिए बर्तन अलग, हर चीज का कच्चा माल अलग। तो यहां जब मेथेन बनाते हैं तो इसके लिए कच्चा माल होता है CH3COONA, जिसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट।
और प्लस लेते हैं सोडा लाइम यानी OH, सोडा लाइम। इसमें वही नमक की तरीके थोड़ा सा हम कैल्शियम ऑक्साइड भी ले लेते हैं, कली चूना। तो सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम, और इसका रेशियो होता है 1:3, और शर्त क्या है, शुष्क होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। तो कच्चा माल जो वहां पर आप दाल चावल लेते थे, नमक लेते थे, यहां पर उसकी जगह पर है सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम CaO, इसका मिश्रण ही सोडा लाइम कहलाता है। अलग अलग अगर कह लें तो सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो 1:3 के अनुपात में शुष्क सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम लेकर के इसको हम गर्म करते हैं, काहे में गर्म करते हैं, कठोर कांच की परख नली में, जिसमें ना तवा बर्तन है और ना तो बर्तन आपका कुकर है। इसके लिए बर्तन लिया जाता है कठोर कांच की परख नली। जब गर्म करते हैं तो इससे मेथेन बनती है और साथ में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है, मेथेन, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो ये बात समझ गए। तो प्रयोगशाला में मेथेन बनाने के लिए शुरू में ही लाइन, पहली लाइन यही लिखेंगे, अब हम डिटेल है तो लिख नहीं रहे हैं। प्रयोगशाला में मेथेन गैस बनाने के लिए हम सोडियम एसीटेट सोडा लाइम को शुष्क एक, या पहले ही कह दें हम ऐसे लिखें जैसे लिखेंगे वैसे हम लिखने वाली लाइन बता रहे हैं कि प्रयोगशाला में मेथेन बनाने के लिए हम शुष्क सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम 1:3 के अनुपात में कठोर कांच की परख नली में लेकर गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें मेथेन गैस प्राप्त होती है। उसके नीचे रिएक्शन लिख देंगे, उसके नीचे ये। अब नई लाइन से पहले कैसे, थोड़ा ये फिगर बनाएंगे, उसके नीचे क्या बना देंगे, ये फिगर बना देंगे। एक हम कठोर कांच की परख नली लेते हैं और परख नली को एक स्टैंड से हम कस देते हैं, काय से कसा हमने, एक स्टैंड से कठोर कांच की परख नली लिया। अब इसके पश्चात इसमें हम यहां पर एक और आधार ले लेते हैं, इसके ऊपर हम रख देते हैं एक स्प्रिट लैंप। ये आपकी क्या होती है, स्प्रिट लैंप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कठोर कांच की परख नली लेकर उसमें आवश्यकता अनुसार हम शुष्क सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम लेते हैं। आवश्यकता इसमें क्या लेते हैं, CH3 COONA और प्लस NaOH, वही जैसा हमने बताया 1:3 के अनुपात में हो और शुष्क हो, क्या हो, शुष्क हो। ये लेने के पश्चात इसमें हम एक छिद्र वाली कार्क लगा देते हैं, जिसे आप डाट भी कहते हैं, कार्क या डाट, ये हमने लगा दिया है। इस डाट में एक हम निकास नली लगाते हैं, क्या लगाते हैं, निकास नली, जिसका एक सिरा इसमें होता है, दूसरा जल से भरी हुई द्रोणिका, द्रोणिका को नांद भी कहते हैं, के सच्छिद्र आसन पर जाता है, के सच्छिद्र आसन पर यहां पर जाता है, जहां पर एक यहां पर गैस जा रहे हैं, ये क्या है, यहां पर गैस जा रहे हैं, ये इसका सच्छिद्र आसन है, जिस पर कोई चीज रखी जाती है उसको हम आसन कहते हैं। और यहां पर वो क्या है आपका, इसके ऊपर एक हम गैस जार रखते हैं, इस प्रकार से यहां पर हम क्या रख लेते हैं, एक गैस जार रखते हैं, ये गैस जार, और ये जल से भरी हुई है, काहे से भरी है, जल से भरी हुई द्रोणिका है, सच्छिद्र आसन पर जाते हैं। ये आपका समझिए एक स्टैंड है, इसको यहां तक बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा,
यहां पर लिखेंगे प्रयोग साला में, तो हम बता रहे हैं तो यहां और नीचे लिख देंगे यहां पर कि प्रयोग साला में मेथेन बनाना, ये नीचे लिख देंगे प्रयोगशाला में मेथेन बनाना। अब इसको ढंग से सुनिए, प्रयोगशाला में मेथेन बनाने के लिए हम शुष्क सोडियम एसीटेट सोडा लाइम 1:3 के अनुपात में कठोर कांच की परखनली में लेकर गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें मेथेन गैस प्राप्त होती। उसके नीचे रिएक्शन लिख देंगे आप, उसके नीचे रिएक्शन लिखेंगे। अब चित्र बना देंगे, क्या बनाएंगे, ये चित्र बना देंगे। चित्र बनाने के बाद आप लिखना शुरू करेंगे, सर्वप्रथम हम एक कठोर कांच की परख नली लेते हैं, उसमें आवश्यकता अनुसार सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम 1:3 के अनुपात में शुष्क लेकर एक छिद्र वाली कार्क लगाकर उसको एक स्टैंड से कस देते हैं। अब इसमें एक हम निकास नली लगाते हैं, जिसका एक सिरा इसमें, दूसरा जल से भरी द्रोणिका के सच्छिद्र आसन पे जाता है। यहाँ पर हम ये लिख भी सकते हैं मेथेन, सच्छिद्र आसन पर जाता है, जिसके ऊपर एक उल्टा गैस जार रखा रहता है। वह गैसें जो हवा से हल्की होती है उनमें गैस जार हमेशा उल्टा रखा जाता है, जो भारी होती है उनमें सीधा रखा जाता है। तो इसका नाम मेथेन हवा से हल्की है, एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपको मालूम हो गई, ये सदैव उल्टा गैस जार अगर है तो गैस हवा से हल्की। तो हम बता रहे थे, फिर से सुनिए, प्रयोगशाला में मेथेन बनाने के लिए हम शुष्क सोडियम एसीटेट सोडा लाइम को 1:3 के अनुपात में लेकर कठोर कांच की परख नली में गर्म करते हैं, गर्म करने पर मेथेन प्राप्त होती। इसके पश्चात ये रिएक्शन लिखते हैं, पुनः चित्र बना देंगे। अब आप ये चित्र बनाने के बाद लिखेंगे, सर्वप्रथम हम कठोर कांच की परख नली लेते हैं, उसमें आवश्यकता अनुसार शुष्क सोडियम एसीटेट सोडा लाइम 1:3 अनुपात में लेकर इसको एक स्टैंड से कस देते हैं। अब इससे एक निकास नली लगाते हैं, जिसका एक कार्क लगाते हैं, एक छिद्र वाली कार्क लगाकर निकास नली, एक सिरा इसमें, दूसरा जल से भरी द्रोणिका के सच्छिद्र आसन पर जाता है, जिसके ऊपर एक उल्टा गैस जार रखा होता है। अब नई लाइन से लिखेंगे, अब हम धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं स्प्रिट लैंप से, गर्म करने पर मेथेन गैस बनती है, निकास नली से होकर जल से भरी द्रोणिका में पहुंचती है, जहां पर इसे हम गैस जार में प्राप्त कर लेते। तो ये आपका पूरा विवरण कंप्लीट हो गया। अब इसको ढंग से समझे, देखिए जैसे हम चित्र का विवरण करते हैं तो आप ऐसे पहले मन में सोचे हमने क्या क्या लिया, तो हमने लिया कठोर कांच की परख नली, हमने लिया स्प्रिट लैम्प, हमने लिया एक छिद्र वाली कार्क, एक लिया स्टैंड, अब एक लिया निकास नली, एक जल से भरी द्रोणिका या नान, और एक लिया गैस जार। इतनी बातें हमने ली, ये चीजें हम सेंटेंस में बना करके, वाक्य बना करके केवल लिख देते हैं, इसको अगर ध्यान दे तो कोई दिक्कत नहीं कि सर्वप्रथम हम एक कठोर कांच की परख नली लेते हैं, फिर उसमें सोडियम एसीटेट सोडा लाइम 1:3 के अनुपात में शुष्क ले लेते हैं। अब ये पहले क्यों ले लेते हैं, आप लिख दें कि हम परख नली लेते हैं, छिद्र वाली कार्क लगाते हैं, निकास नली, सब कुछ लगा दिया, तब आप कहते हैं कि सोडियम एसीटेट, तो बाद में अगर कहेंगे तो ये इसके अंदर जाएगा कैसे, कोई मंत्र तो आप पास है नहीं। इसलिए जो चीज है पहले वो पहले कहें, जैसे आप कहें कि पतीली को गर्म, कुकर को हम गर्म करते खिचड़ी बनाने में, ढक्कन बंद कर दिया पंप और कुकर को बंद कर दिया, अब हम खिचड़ी के दाल चावल धोने के लिए जाते हैं, तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो सिस्टम से पहले कठोर कांच की परख नली लेते हैं, फिर उसमें इसको डाल लेते हैं, उसमें एक छिद्र वाली कार्क लगाकर तब उसको स्टैंड से कस देते हैं, फिर एक निकास नली लगा देते हैं, एक सिरा इसमें, दूसरा जल से भरी द्रोणिका के सच्छिद्र आसन पर जाता है, जिसके ऊपर एक उल्टा गैस जार रखा रहता है। ये लिखेंगे तो लिखने के लिए यही है, ये रिएक्शन जब लिखो तो उसके बाद लिखना शुरू करें। हम इसके लिए कठोर कांच की परख नली लेते हैं, जिसमें शुष्क सोडियम एसीटेट सोडा लाइम 1:3 के अनुपात में लेकर के एक छिद्र वाली कार्क लगाकर उसको एक स्टैंड से कस देते हैं। अब इससे एक निकास नली, जिसका एक सिरा इसमें, दूसरा जल से भरी द्रोणिका के सच्छिद्र आसन पर जाता है, जिसके ऊपर एक उल्टा गैस जार रखा होता है। अब धीरे धीरे इसको हम गर्म करते हैं, मेथेन गैस बनती है, निकास नली से होकर जल से भरी द्रोणिका में पहुंचती है, जहां पर गैस जार में इसे हम एकत्रित कर लेते हैं। ये आपकी मेथेन गैस कंप्लीट हुई। तो एक बार इसको हम सरसरी रूप से लिखने के ढंग से फिर बोले देते हैं, आप इसको बार बार इस
वीडियो को सुनिए, कई बार सुनेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगी। प्रयोगशाला में मेथेन बनाने के लिए हम शुष्क सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को 1:3 के अनुपात में लेकर के कठोर कांच की परख नली में गर्म करते हैं, जिससे हमें मेथेन गैस प्राप्त होती। उसके नीचे क्या लिखेंगे? रिएक्शन। अब हम पहले ये चित्र बनाएंगे और चित्र का थोड़ा विवरण पहले देंगे कि इसके लिए हम एक कठोर कांच की परख नली लेते हैं जिसमें शुष्क सोडियम एसीटेट सोडा लाइम लेकर एक छिद्र वाली कार्क लगाकर इसको एक स्टैंड से कस देते हैं। अब इससे एक निकास नली जिसका एक सिरा इसमें, दूसरा जल से भरी द्रोणिका के सच्छिद्र आसन पर जाता है जिसके ऊपर उल्टा गैस जार रखा होता है। अब हम इसको धीरे धीरे स्किट लैम्प से गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमें मेथेन गैस बनती है। हाँ, गर्म करने पर मेथेन गैस बनती है जो निकास नली से होकर जल से भरी द्रोणिका में पहुंचती है, जहां पर गैस जार में इसे हम एकत्रित कर लेते। इसको पढ़ लेना, फिर इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और बनाने की विधियां बता दी जाएंगी। जैसे एल्युमिनियम कार्बाइड से पर जल की क्रिया से भी मेथेन गैस बनती है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैग्नीशियम मेथिल आयोडाइड द्वारा भी ये मेथेन गैस बनती है, और भी इसकी बनाने की विधियां हैं। कार्बन हाइड की हाइड्रोजन की विद्युत स्पूलिंग करने पर भी ये गैस बनती है। तो ये विधियां और इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो हैं और इसके यूजेज या उपयोग अगले दिन बता देंगे। ठीक।